हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बनाई हूँ। और तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं आज जा रही हूँ थोड़ा बाहर, और जहाँ जा रही हूँ वो आपको अभी थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा। वैसे सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ क्या वैसे तो पता ही चलने वाला है, और जैसा भी रहेगा फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और मतलब मैं अकेले नहीं जा रही, मैं 6 लोगों का ग्रुप जा रहा है, तो सब फ्रेंड्स हैं मेरे, तो वो रहेगा। और बहुत एक्साइटेड हूँ उस ट्रिप के लिए, तो मिलते हैं आपसे वहीं पर ही, है ना। और थोड़ी देर में बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलो सुनू, मैं जा रहा हूँ आज, सिम्बा मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है। म्याओं का ख्याल रखना, ठीक है। मीना छुईने बाबा ध्यान रखना अपना, ठीक है। चोट खा के आता है लड़का, दे रही हूँ ना दूध तेरे को। म्याओ को तो प्यार कर लूँ मैं पहले, ठीक है। मैम जा रही हूँ, ध्यान रखना अपना, दोनों लड़ना नहीं दोनों। चल उसको दूध देकर, पता नहीं क्या मिलता है लोट लोट के। हो गया सफाई हो गई क्या? ये क्या लोटी लोटी हो रही है? मजे आते हैं भाई मजे। अरे यार मैं इसको बहुत मिस करूंगी, वहाँ पे जा रही हूँ मैं। ध्यान रखना अपना है। हाँ तुम भी और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। हमारे बच्चों का तो ध्यान बिल्कुल रखे। जा रही हूँ, ध्यान से जाना, और कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, हम आ जाएंगे। गिर मत जाइयो ये टांग से। हाँ मैं यही सोच रही थी कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं, बस मैं टांग ऐसे ऐसे हो रही थी। मैं कम कर दो ना कुछ। और स्टेशन पे ग्वालियर स्टेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा, और अभी मैं जल्दी आ गई हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा रही हूँ, जो कि जो भी ट्रेन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये लोग भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही मिलेंगे सब लोग, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो वहाँ जाके मिलती हूँ। बहुत गंदी शक्ल आ रही है तनु तुम्हारी। गंदी है ऐसे अच्छी नहीं होती है। नफा हो जाए यहाँ से, ट्रेन आ रही है, ट्रेन को ले रही हूँ मैं। सो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और मैं सबसे मिलवा देती हूँ फिलहाल। ये है हितांशी, नहीं अभी कोई पैकिंग नहीं, ये हितांशी हाय बोल दो भाई, इसको भूख लगी थी, ये दिशा है। एंड इधर है ये खुशी, और ये खाना बांटने वाली हमारी तनु, और ये हमारी अश्वेत जी, और ये मैं। नहीं मैं खाकर आई थी। तो अभी फिलहाल ट्रेन चल दी है और हम लोग जयपुर जा रहे हैं, तो अब मैं फारिज बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जयपुर एग्जीबिशन के लिए, और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ यार। मजा ही नहीं आया यार, चल ले। चलो ठीक है, अभी खाना वाना खा के और फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सेकंड टेक में अच्छा आया, तो थोड़ी देर बाद में मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये मोमेंट कैप्चर करना बहुत जरूरी है। श्वेत नहीं मत प्लीज, नहीं ये मोमेंट बहुत अच्छा है यार, सब खा रहे ना एक साथ बैठ के, अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग जयपुर में आ चुके हैं, और हम सब आ गए यहाँ पे, सामान वामान उतार लिया गाड़ी से, और ये दिशा आप सब जानते हैं, ठीक है। और मैं अभी जाके होटल में अच्छे से वीडियो लेंगे, अभी अच्छे से वीडियो आ भी नहीं रही, ठीक जो भी है वो मैं कर रही हूँ। और ये ट्रेन इनको बहुत पसंद आई थी, डबल डेकर। जल्दी जल्दी पीनी पड़ेगी हमको, क्योंकि अभी है ना कैब आ चुकी है और चाय मंगा ली हमने। दे अभी चाय लेना।
सामान सेट कर लेंगे ना। जयपुर की चाय तो वैसे बढ़िया है, टेस्टी एक नंबर। फिर से बोल। टेस्टी एक नंबर, शानदार, लाजवाब, जो भी अच्छे अच्छे शब्द होते हैं ना, बस वो समझ ले एक साथ। सही बात है, और क्या तो है, छोटे छोटे टाउन वाउन इतने हैं ना कि बहुत है, पता नहीं है। बढ़िया बढ़िया है। राजस्थान तो है ही अपने आप में बहुत रिच, रॉयल है पूरा, है ना, सुंदर है। रात में तो सुंदर लग रहा है, दिन में कितना लगता होगा। रात को सुंदर लगता है, स्टार्टिंग है ना भाई, यहाँ तो बहुत ही कम है। शुरू हुई है सर्दी, देखना अभी कम से कम 10 दिन बाद। हाँ वही, मतलब इस टाइम तो आप कम्बल से बाहर नहीं निकल सकते। ग्वालियर में तो मतलब इतना बिरला टेम्पल है क्या ये? ये कितना अच्छा बना हुआ है। ग्वालियर में तो चार चार कपड़े भी आप पहन लो ना, वो भी कम पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, क्या भैया? अभी ग्वालियर साइड की है। कहाँ के हो? धौलपुर से। बताओ। यूनिवर्सिटी में अंदर चलना है क्या? हाँ हाँ, गेट के अंदर जाके लेफ्ट लेना है एक। जाने देंगे? जाने तो देना चाहिए भाई। लॉन्ग टर्म एंट्री करा देता हूँ। किधर बताया? सीधा चल के लेफ्ट बोल रहे थे। सीधा चल के लेफ्ट मुझे कुछ पता नहीं रहता बेटा, तू इतना वो करती है ना, ये रास्ता भटकाने में सबसे नंबर वन है। इससे पूछो कोई बात नहीं है दिमाग। तो ये हमें रूम मिला हुआ है यहाँ पे हॉस्टल का, और चार लोग रहेंगे। तो मैं और तनु इस रूम में रहेंगे, और दो लोग और एक्स्ट्रा आएंगे तो वो दूसरे रूम में जाएंगे। मतलब ये है और अंदर यहाँ पर है दो लोग का, तो मैं और तनु यहाँ हो जाएंगे, वो लोग उधर जाएंगे। और मैं अभी खाना लेकर जा रही हूँ, तो वहाँ पे खाना खा के हाथ मुँह धो के खाना खा के और फिर देखते क्या करना है आगे। और फिलहाल तो 12 बज चुके हैं, उसके बाद कल जो होगा प्रोग्राम वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो लेट्स सी। इसको फोन नहीं करना है, इसको कोई फोन नहीं करेगा। भाई धीरे बोल लो यार।